हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस जी हाँ ट्वेल्थ कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी एसपी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर वन दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में हमने लिंक दे दिए वहां से आप पहला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है खासतौर पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है उसे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी इलेवंथ और ट्वेल्थ कॉमर्स के इकोनॉमिक्स ओसीएम के वीडियोज प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों वर्किंग कैपिटल की जब बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेली रूटीन और रेगुलर रूटीन के लिए पैसों की जरूरत होती है और ऐसे में वर्किंग कैपिटल जो है ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है जी हाँ आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्सड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वुड बी नीडेड टू इन्श्योर स्मूद फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म यानी सबसे पहला कदम तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को जानना होता है जब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है उसके बाद इमीडिएटली हमें यह सोचना होता है एज ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजिंग टीम कि भैया रेगुलर रूटीन खर्चा कितना होगा क्योंकि रेगुलर रूटीन खर्चे से ही तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूदली फंक्शन कर पाएगी और इसीलिए वर्किंग कैपिटल यानी रेगुलर रूटीन वर्किंग का जो पैसा है उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं और इसी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है अ बिजनेस फॉर्म रिक्वायर्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटीरियल इन स्टॉक फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी कहीं ना कहीं हर एक छोटी या बड़ी एक्टिविटी में बिजनेस के अंदर पैसे जो हैं वो हमेशा लगने ही वाले हैं और इसीलिए तो कैश को यानी वर्किंग कैपिटल को एक तरह से रीढ़ की हड्डी माना जाता है बिजनेस के अंदर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डो नॉट फेच कैश इमीडिएटली यानी ज्यादातर दोस्तों जब सामान बेचते हैं गुड्स बेचते हैं तो या तो कैश में बेचेंगे या तो क्रेडिट में बेचेंगे कैश में तो हमें डायरेक्टली कैश मिल ही जाएगा लेकिन जब क्रेडिट में हम गुड्स

दोस्तों ये एक साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल है जहां आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हर एक एक्टिविटी में आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है अ बिजनेस फर्म नीड्स टू फंड टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स यानी फंड्स uh, की जरूरत हमेशा होगी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए और इस साइकिल में भी आप देख सकते हैं दोस्तों इन्वेंट्रीज हैं सेल्स रिसीवेबल मनी कलेक्शन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस फिर ऑपरेशन प्रोडक्शन यानी ये पूरे साइकिल में हर पॉइंट पर हर जगह पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट होने वाली है अ पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे क्रेडिटर्स ऑर्ज

इंस जिनके वजह से वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट पर असर पड़ता है जी हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों वेरियस पॉइंट्स हैं वेरियस फैक्टर्स आपके सामने हैं और यहां पर आपके सामने सभी पॉइंट्स को मैंने लिस्ट कर दिया है इन सभी पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए आसानी से याद करने के लिए और लिख करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है स्पेंट ग्रोथ वेरी मच जी हाँ दोस्तों स्पेंट ग्रोथ वेरी मच इस आसान से शॉर्ट कोड के साथ आप ईजिली इस आंसर को याद कर लेंगे जी हाँ दोस्तों एस साइज ऑफ बिजनेस पी से प्रोडक्शन साइकिल एंड बिजनेस साइकिल जी हां प्रोडक्शन साइकिल एंड बिजनेस साइकिल प्रोडक्शन साइकिल एंड बिजनेस साइकिल इसके अलावा ई से एक्सटर्नल फैक्टर्स एन से नेचर ऑफ बिजनेस और टी से टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स तो ये हो गया हमारा स्पेंट और इसके बाद स्पेंट ग्रोथ वेरी मच ग्रोथ एंड एक्सपांशन वेरी मच में वी फॉर वॉल्यूम ऑफ सेल्स इसके अलावा एम से मैनेजमेंट एबिलिटी और सी से क्रेडिट कंट्रोल तो दोस्तों लिख करके इस आंसर की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस बहुत अहम है दोस्तों आप लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं या स्मॉल स्केल बिजनेस इस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगने वाला है द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अ अफॉर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल यानी अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है लार्ज स्केल है आपका बिजनेस ऑपरेशन तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा ज्यादा वर्किंग पैसा लगेगा आपको रेगुलर रूटीन खर्चे होंगे आपके इसके अलावा दोस्तों स्पेंट ग्रोथ वेरी मच में पी से है प्रोडक्शन साइकिल और बिजनेस साइकिल बी से दोस्तों ये दोनों एक ही में हम जॉट uh, डाउन कर सकते हैं प्रोडक्शन साइकिल और बिजनेस साइकिल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटीरियल इंटू फिनिश्ड गुड्स इज द प्रोडक्शन साइकिल याद रखिए जहां पर रॉ मटीरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है उस साइकिल को हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं इफ़ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर यानी आपको रॉ मटीरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में काफी लंबा समय लगता है प्रोसीजर काफी लंबा है तो आपको वंस अगेन वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मशीनरी ज़्यादा लगने वाली है कहीं ना कहीं आपको पैसे ज्यादा लगने वाले हैं है, क्योंकि प्रोडक्शन आपका लंबा चलने वाला है है। इसी के अलावा दोस्तों बिजनेस साइकिल की अगर बात करें तो इज बूम इन द इकोनॉमी जब मार्केट में तेजी का माहौल है, है लोग रिक्वायर्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐसे में आपको अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी हो सकता है आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेल्स हो रही है तो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स आपको फिर से वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगने वाला है दोस्तों ड्यूरिंग रिसेशन की अगर हम बात करें यानी मंदी के माहौल की बात करें तो ऐसे में सेल्स डिक्लाइन हो जाते हैं एंड हैंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल आल्सो डिक्लाइन जब रिसेशन है जब मंदी का माहौल है मार्केट में उतनी तेजी नहीं है गुड्स उतने बिक नहीं रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों वर्किंग कैपिटल कम लगेगा तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और यहां पर स्पेंट ग्रोथ वेरी मच में साइज ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन साइकिल एंड बिजनेस साइकिल बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगला फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर्स याद रखिए दोस्तों इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड एज एंड वेन रिक्वायर्ड द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड यानी जब आपको बैंकों से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से लोन मिल जा रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल आसानी से निकल जाएगा उन्हीं लोन से निकल जाएगा लेकिन अगर आपको खुद जुटाना पड़ रहा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा जुटाना पड़े ज़्यादा खर्चा करना पड़े ज़्यादा आपको पैसे जमा करने में टाइम लगे ऐसे में अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रही हैं फंड तो आपके वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है बात करते हैं दोस्तों नेचर ऑफ़ बिज़नेस की जी हाँ नेचर ऑफ़ बिज़नेस फॉर्म्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा और इनका सेल्स भी कॉन्स्टेंट होगा तो इनका कैश फ्लो जो है वो सफिशियंट होने वाला है पैसे का आवन जावन लगा रहेगा जी हाँ दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस ही कुछ ऐसा है ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो रेगुलरली लोगों को लगने वाले हैं तो लोग उसे खरीदेंगे समझ रहे हैं ना तो इसी प्रकार अगर आपका बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा है जहां आप लग्जरी बना रहे हैं या लग्जरी गुड्स में डील कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं लग्जरी गुड्स को लग्जरी प्रोडक्ट्स को जिनकी ज़रूरत डेली नहीं होती तो ऐसे में आपका कैश इनफ्लो थोड़ा सा कम हो सकता है और इसीलिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा ऐसे केसेस में लाइकवाइज पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न हैव मेंटेन स्मॉल वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम देयर कस्टमर्स यानी जहां पर रेगुलर और डेली कंजम्पशन है वहां कैश इनफ्लो ज़्यादा है वर्किंग कैपिटल कम लगेगा और जहां कैश इनफ्लो कम है वहां वर्किंग कैपिटल तो यह बहुत ही ईजी हो जाएगा में भी आप लिख पाएंगे। जी हाँ फिर एक बार दोहरा दू जहां पर कैश इनफ्लो ज्यादा है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है और जहां पर कैश इनफ्लो कम है वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला पॉइंट है टी से टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स जी हाँ हर जगह पर आपने टर्म्स एंड कंडीशन तो सुने ही होंगे इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट सेल्स देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल जी हाँ दोस्तों याद रखिए आपके टर्म्स एंड कंडीशन कैसे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है अगर आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं गुड्स खरीदते हैं रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो आपको उन्हें तो तुरंत पैसे देने पड़ेंगे सामने अगर आप बहुत ही लिबरल हैं और आपकी क्रेडिट पॉलिसी में आप सेल्स करने पर अपने ग्राहकों को क्रेडिट दे रहे हैं उधार दे रहे हैं तो आपके पास कैश इनफ्लो कम है और दोस्तों आपका आउटफ्लो जो है कैश का वो बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि भाई देना तो पड़ रहा है आपको और आ रहा कम है लेट लेट आ रहा है ऑन दी अदर हैंड

कम होने वाली है बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर स्पेंट ग्रोथ में ग्रोथ एंड एक्सपांशन जी हाँ जब भी बिजनेस बड़ा बनना चाहेगा जब भी एक्सपांशन की सोचेगा जब भी बिजनेस एक्सपांड होने के लिए अलग अलग ब्रांचेस या नई मशीनरी जैसी चीज़ों में डील करेगा या लार्ज स्केल ऑपरेशन में आ, एंटर करना चाहेगा तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा लगने वाला है येस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद ग्रोथ ऑफ अ फर्म क्योंकि आप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड्स कंटिन्यूसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर अगला पॉइंट है वी से वॉल्यूम ऑफ सेल्स सिंपल है बात दोस्तों याद रखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि साइज ऑफ़ वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डिरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर एकदम सिंपल लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा इफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस देर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जी हाँ अगर सेल्स इंक्रीज तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज क्योंकि और प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना अगर सेल्स डिक्रीज तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज क्योंकि पढ़ा है वो तो बेचना है पहले उसके बाद देखेंगे आगे का तो बहुत ही सिंपल है वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज दर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर मैनेजमेंट की एबिलिटी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ़ दर इज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स यानी कहीं ना कहीं तालमेल होना बहुत जरूरी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच अगर रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होता है ज़्यादा स्टॉकिंग वगैरह अच्छे से हो रही है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है तो ऐसे में जो बैलेंस है वर्किंग कैपिटल का वो हमेशा बना रहेगा अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री कॉल्स फॉर हाइयर लेवल फॉर वर्किंग कैपिटल यानी जिसे ज़्यादा मशीनरी लगने वाली है जिसे ज़्यादा लोग लगने वाले हैं काम पे ऐसे लोगों को सैलरीज भी देनी पड़ेगी ज़्यादा खर्चा भी होगा तो वर्किंग कैपिटल भी हाइयर लगेगा जी हाँ बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की और दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा क्रेडिट control. बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स कितना उधार दे रहे हो कितना उधार में बेच रहे हो द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स यानी आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं उधारी कब आपको वापस मिलने वाली है द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा इफ़ द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड अच्छा है सब लोग टाइम टू टाइम ई के तौर पर भर रहे हैं तो ठीक है इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो लेकिन अगर ज़्यादा लिबरल है कोई टाइम पर नहीं भर रहा है तो ऐसे में आपकी जो रेगुलर रूटीन खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और यह भी हो सकता है कि पैसा डूब जाए और आप कर्जबाजारी हो जाएं यस देयर फोर अ फॉर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल इन सच अ केस द फॉर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल ठोक बजा के अंडरलाइन करने वाली लाइन अगर आप रोकड़े में बेच रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा क्योंकि कैश का इनफ्लो बना रहेगा दोस्तों इस प्रकार हमने सभी पॉइंट्स देख लिए हैं एकदम आसानी से फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेंट ग्रोथ वेरी मच स्पेंट ग्रोथ वेरी मच एस से साइज ऑफ बिजनेस साइकिल्स दो हैं हमारे पास प्रोडक्शन साइकिल और बिजनेस साइकिल एक्सटर्नल फैक्टर्स ई से एन से नेचर ऑफ बिजनेस और टी से टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स तो यहाँ पर स्पेंट इसके अलावा ग्रोथ एंड एक्सपांशन और वी से वॉल्यूम ऑफ सेल्स वेरी मच के अंदर एम और सी में मैनेजमेंट एबिलिटी और सी से क्रेडिट कंट्रोल तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे हम आपको ऐसे ही वीडियोज के साथ लगातार मिलते रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल यहां पर हम लगातार नोट्स वगैरह भी डालते रहते हैं दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ तब तक के लिए डू